डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। अगर आपको एक पॉइंट दिया हो और एक लाइन की इक्वेशन दी हो तो उसके बीच में हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बोलना सही नहीं रहेगा, क्या लिखना? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर आपको कोई पॉइंट दिया है, सपोज एक्स वन वाई वन, कोई पॉइंट दिया होगा तो उसके कॉर्डिनेट को मानेंगे एक्स वन वाई वन, और इस पॉइंट का आप डिस्टेंस, आपको एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक लाइन से निकालना है, उस लाइन की जनरल इक्वेशन दी होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो किसी भी पॉइंट का एक ऐसी लाइन से डिस्टेंस निकालना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसकी इक्वेशन आपको दे रखी हो जनरल फॉर्म में, जनरल फॉर्म में नहीं है तो जनरल फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है? तो हम उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो उसका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है ए इंटू एक्स वन, एक्स की जगह हम ये पॉइंट पुट करेंगे, तो ए इंटू एक्स वन प्लस बी इंटू वाई वन, एक्स वाई की जगह पॉइंट पुट करेंगे, बाकी पूरी इक्वेशन सेम रहेगी, अपॉन रूट में इक्वेशन में जो एक्स और वाई के कोफिशियंट है उनके स्क्वायर का सम। अब क्योंकि बाई चांस माइनस भी आ सकता है कैलकुलेशन, तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए एब्सोल्यूट का साइन, मॉडुलस का साइन। तो इससे जब भी निकलेगा तो आपसे डिस्टेंस का फॉर्मूला निकल आएगा, क्लियर? तो एक क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ आपको। भैया वो पूरी हो गई क्या? देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कर रहे थे, ये तो गलती से हो गया। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपको डिस्टेंस निकालना हो 5 कॉमा माइनस 3 का एक लाइन से, जिसकी इक्वेशन सपोज है 8x प्लस 15y माइनस 23 इज इक्वल टू 0। डिस्टेंस निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको अभी भी मैंने समझाया क्या होगा, ए इंटू एक्स वन, ए यहाँ पे क्या है 8 इंटू एक्स वन 5 प्लस 15 इंटू माइनस 3 प्लस सी, यानी जो सी लिखा हुआ है, अपॉन रूट 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है? तो डिस्टेंस आएगा 45 माइनस 23 अपॉन 64 प्लस 225, ठीक है? तो ये हो जाएगा 40 माइनस 68 अपॉन रूट 289, तो ये हुआ माइनस 28, है ना? माइनस 28 अपॉन 17, अगर रिपीट रहा होता तो काट देते, अब डी क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता तो आंसर आएगा 28 बाई 17 यूनिट्स, क्योंकि डिस्टेंस है, कोई ना कोई यूनिट तो जरूर होगी। समझ में आया?